हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी की भावनाएं अपने धर्म को लेकर प्रबल रहती हैं। लेकिन हमारे देश में धर्म को लेकर सबसे बड़ी लड़ाई हिंदू और मुस्लिम लड़ रहे हैं। आए दिन ऐसी खबरें आती हैं जिसमें धर्म को लेकर कोई इंसान या कौम निशाने पर होता है। एक ऐसी ही खबर आई है जिसमें बॉलीवुड की मशहूर आइटम गर्ल सनी लियोनी अपने गाने को लेकर हिंदू धर्म के लोगों के निशाने पर आ गई हैं। दरअसल 22 दिसंबर को लियोनी का एक गाना रिलीज किया गया था। रिलीज होते ही ये गाना विवादों में घिर गया था। इस गाने को लेकर विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि इस गाने में हिंदुओं द्वारा पूजी जाने वाली माता राधा का नाम आया है। ऐसे में कहा गया है कि सनी के इस गाने से हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं। मध्य प्रदेश सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने कहा था कि हिंदू मां राधा की पूजा करते हैं और इस गीत ने लोगों की भावनाओं को आहत किया है। वहीं नरोत्तम मिश्रा ने अभिनेत्री सनी लियोनी को चेतावनी भी दी थी कि वह अपने इस गाने के लिए माफी मांगे और अपने गाने मधुबन को 3 दिनों के अंदर वापस लें, वरना इसके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। नरोत्तम मिश्रा की तरफ से मिली प्रतिक्रिया के बाद सारेगामा ने सोशल मीडिया पर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। म्यूजिक लेबल ने अपने इस बयान में लिखा है कि हाल ही में मिली प्रतिक्रियाओं और हमारे देशवासियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए हम मधुबन गाने का नाम और लिरिक्स बदल देंगे। नया गाना अगले 3 दिनों में सभी प्लेटफॉर्म पर पुराने गाने से रिप्लेस कर दिया जाएगा। अब इस गाने के नए बोल क्या होंगे, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे इंडियन वॉइस। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।